birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. गोविंदा सर सबसे पहले हैप्पी बर्थडे और आज आपने अपने फ्रेंड्स को एक सरप्राइज दिया ट्रेलर लॉन्च करके अपनी आने वाली नई मूवी का, तो इस मूवी के बारे में जानना चाहेंगे। इसमें मैं पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहा हूँ, जो एक्टिंग तो हो रही है उसमें साथ में अभिनय जो होता है उसके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, अभिनय का मतलब एक्टिंग ही होता है, और अभिनय के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी है तो तकलीफ़ें आती हैं, और आप जिस वक्त राइट डिसीज़न लेते हैं तो एज अ हीरो बाहर निकलते हैं। तो हर व्यक्ति में हीरो तो होता ही है, ही हैज़ टू इन हिज हार्ड टाइम ही हैज़ टू फाइंड हिमसेल्फ वेयर देयर हीरो इज़। मुझे ऐसा लगता है ही इज़ ऑलवेज देयर इन योर राइट डिसीज़न। तो जिस वक्त राइट डिसीजन में ले आप लिया करते हैं तो आपका हीरो बाहर। सर बहुत लंबे समय के बाद में आप सिनेमा पिक्चर्स में फिर से वापस आ रहे हैं जी, तो कितना मतलब चैलेंजिंग और कितनी मुश्किल रही है जर्नी से? आप ये समझ लीजिए कि आफ्टर 15 ईयर्स हो गया मुझे एज अ मेरी हीरो फिल्म आई नहीं। पार्टनर में भागम भाग में आप लोगों ने मुझे देखा, उसमें मैंने करेक्टर रोल किए थे, क्योंकि वक्त अच्छा होता है तो लोग तारीफ़ करते हैं, इज़्ज़त अफजाई हो जाती है हर जगह, उसके लिए शुक्रिया करता हूँ। जिन्होंने वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, परंतु एज ए हीरो आप लोगों ने जो अभी इस फिल्म में गाने देख रहे हैं या इसके डायलॉग्स आप लोगों ने देखे हैं, ये इस तरह का आपको पहले देखने नहीं मिला है। तो सर आपका काफ़ी लंबा और कामयाब करियर रहा है जी, तो इस लंबे और कामयाब करियर में काफ़ी जगह शूटिंग की होगी, छोटी जगह पे, बड़ी जगह पे। हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का सब्सिडी दिया है कि फिल्म मेकर्स आए वहाँ पे फिल्म बनाएं, क्योंकि वो एक रिमोट एरिया है, तो इस बारे में आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि सेलिब्रिटी, क्योंकि आप जैसे लोगों का? हाँ सदैव धन्यवाद है, इसलिए उसकी सब उसका उसकी वजह यह है कि देशकाल परिस्थिति जो हो कलाकार की कल्पना जो है वो सदैव काम करती है, और जिस जिस स्थान में कलाकार का सम्मान होता है वो उनकी की हुई दिव्य रचनाओं का और उनके साथ में जुड़ने का और कला के माध्यम से जो स्टेट बाहर निकलती है ऊंचाई पे आती है वो कमाल करती है। हर व्यक्ति में कुछ तो कमाल होता है, उस कमाल की जो इज्जत करते हैं उसका धन्यवाद देते हैं। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट झारखंड गवर्नमेंट एंड वुड लाइक टू थैंक्स Especially thanks to all of those who give importance to the importance and respect to art. Govinda sir, अच्छा और बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है, तो जैसे आपने कहा कि आपने कुछ डिसीजन गलत लिया है, तो पॉलिटिकल करियर का जो डिसीजन था उसको आप अभी भी रिग्रेट करते हैं? हाँ, और आजीवन मुझे ऐसा लगता है कि जिस विषय के आप ज्ञाता ना हो वहाँ पर उपस्थिति आपकी जो है वो दुखद होती है, क्योंकि आपके उसका भाषा का, उसकी समझ का और उससे जुड़े हुए लोगों का बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और उसमें जो हम जैसे लोग हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें विचारधाराओं को पकड़ के हम लोग आगे निकलते हैं, तो उसमें शत्रु और दुश्मनियाँ और ये सब चीज़ें जो हैं हम ज़्यादा उस पर फंसते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ग तो वर्ग होता है और उस वर्ग से जुड़े हुए हर व्यक्ति जो है वो आपके मित्रगण हैं, और चाहे आपके विचार मिलते हों या ना मिलते हों, परंतु आप सम्मान और प्रेम उसे बरकरार रखना चाहिए, तो मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। आदरणीय बाला साहब ठाकरे हों, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, या जो आदरणीय व्यक्ति जो लोग मैंने देखा है, चाहे उनकी विचारधारा जैसी हो, पर्सनली वो बहुत अच्छे रहे, तो ऐसे लोग जो हैं मुझे सदैव अच्छे लगते हैं। अभी इसीलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता, तो क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है उस पर डिस्कस नहीं करता। डांसिंग की बात है तो आज भी आपके मुकाबले कोई नहीं ये मानते, क्योंकि इतने सारे कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं अच्छा डांस करते हैं, लेकिन आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये खुद आप मानते इस बात को? थैंक यू सो मच। मेरा डांस डांस नहीं होता है, बिना बोले बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत चाहते
ऐसा लगता है जैसे सीन चल रहा हूँ तो वो अच्छा लगता है लोग बहुत। आपने काफी ऊपर नीचे देखे, जैसे आपने आज का इवेंट में स्टार्टअप में बताया कि बॉलीवुड में आपने काफी अप्स एंड डाउन देखे, तो इस वक्त वो जब डाउन थे तो आपको कोई भी बॉलीवुड फ्रेंड्स जो आपको मॉरली या फाइनेंशियली कुछ भी सपोर्ट देते थे? मैं सबसे पहले तो मैं मेरे जो आदरणीय जितने गुरु रहे हैं मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, चाहे वो आदरणीय दिलीप साहब रहे हों, चाहे वो आदरणीय कादर खान जी रहे हों, चाहे वो कीर्ति भैया हैं, आदरणीय रोशन तनेजा जी हों, आदरणीय सरोज खान जी हों, और गुरु वर्ग से जुड़े हुए सब लोग जो हैं, आप सभी के प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं बहुत लकी रहा हूं कि आप जैसे गुरु मुझे मिले। माँ बाप के साथ गुरुओं का साया जो है वो कमाल करता है, और मेरी ज़िंदगी में वो मुझे देखने भी मिला, तो उसका धन्यवाद है। और साथ सर ज़ाती ज़िंदगी में आई बीन वेरी लकी दैट आई गॉट टू चांस टू वर्क विद लीजेंड्स, चाहे वो आदरणीय दिलीप साहब हों, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी हों, आदरणीय राजेश खन्ना जी हों, आदरणीय शत्रु भैया हों, आदरणीय धर्मेंद्र जी हों, आदरणीय जितेंद्र जी हों, इन लोगों से मेरा पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ काम करके बहुत सुखद वो अनुभव रहा है, तो दैट हैज़ वर्क्ड। जिस वक्त आप लोग ग्रेट लोगों से आपकी मुलाकात होती है, आप पर्सनालिटीज से मिलते हैं, जिस वक्त लेजेंड लोग जो आपके साथ होते हैं सम्मुख होते हैं, तो उस वक्त तो काम हो रहा होता है। जीवन में भगवान ना करे कभी कष्ट आता है तो आप तकलीफ़ के दौर से निकल आते हैं सिर्फ इसलिए कि आप पे ये लोगों का साया रहा। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, डांस मास्टर्स एंड टेक्नीशियंस, ऑल द ग्रेट पीपल। मैं मेरे साथ जुड़े हुए जो वर्क करते हुए आदरणीय शशि प्रभु जी हैं, और ख़ास तौर पे मैं आज पत्नी का मैं सुनीता का धन्यवाद देता हूँ कि उसकी वजह से आई कुड मेक दिस फिल्म, अदरवाइज ये चांस ही नहीं था। वो अगर वो कहती कि नहीं करिए आप तो ये, मैं चाह रहा था कि एज ए हीरो जो ब्रांड है वो रहे। उस वक्त तो सिर्फ थॉट ही था, ये सोचा नहीं था कि पिक्चर अच्छी बन जाएगी। तो टच वुड इज लुकिंग सो नाइस। जी अब देखिए ये इस सक्सेस के साथ सब ये सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से वर्षानुवर्ष आप लोग साथ देते आए, आप लोग का साथ रहे तो फिर सभी सपने साकार होंगे। गोविंद सर आज आपका बर्थडे भी है और आज की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो क्या आज से आपको ग्रेट सेलिब्रेशन होने वाला है? अब क्योंकि वन आफ्टर अनदर बहुत से ऐसे इवेंट्स आप लोगों के समक्ष आएंगे, मैंने सोचा है कि थोड़ी सी वो बरकरार रहे वो जो चाह है, तो उसके लिए एक साथ सभी चीज़ें नहीं की वन आफ्टर वन। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज आप सारे लोग पीछे सेटल हो जाइए।